Patil. सर धन्यवाद. एक बहुत ही संवेदनाशील और महत्वपूर्ण विषय के बारे में ये सदन में चर्चा हो रही है और ये विषय सिर्फ आज की तारीख में संवेदनाशील नहीं है, बहुत सालों से और इसके आगे भी संपूर्ण समाज के लिए बहुत ही संवेदनाशील रहेगा. सर निर्भया के दुर्घटना के बाद पूरे देश में एक लहर छा गई. ऐसा नहीं था कि निर्भया की एक ही घटना हुई थी, उसके पहले उसके बाद और अभी भी ऐसी घटनाएं होती नहीं, ऐसे मैं नहीं कहूंगी, लेकिन उस घटना ने पूरे समाज के आंखों में एक अंजन डालने की प्रक्रिया कर दी. लेकिन दो तीन दिन से जो वातावरण हम पूरे देश में देखते आ रहे हैं, टीवी पे देखते आ रहे हैं, प्रिंट मीडिया में देखते आ रहे हैं, मुझे लगता है कि इसकी वजह से हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी जो छोटी बच्चियां हैं, हमारे लोग हैं, उनको लगता है कि सही मायने में कानून का भय हमारे समाज में लागू होगा या नहीं. सर निर्भया की जो माँ है ज्योति देवी, उन्होंने मेरे से भी फोन पे बात की. आशा देवी उन्होंने मेरे से भी फोन पे बात की और उन्होंने यही बताया कि मुझे मालूम है कि अगर कानून आप पास करोगे तो मेरी बेटी का अभी कुछ होने वाला नहीं, वो जो लड़का है दुष्कर्मा है उसके साथ भी कुछ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन इसके आने वाली जो पीढ़ी है, इसके आने वाले जो लोग हैं, उनके लिए ये कानून होना बहुत आवश्यक है और इसलिए आप सब समर्थन करिए. सर मैं कहना चाहती हूँ कि जो जुवेनाइल जस्टिस बिल 2015 जो मंत्री जी ने यहाँ पे टेबल कर दिया है, उसका एक चैप्टर की तरफ मैं उनका ध्यान आकर्षण करना चाहती हूँ. उसमें चैप्टर थर्ड जिसका कोई सदस्य ने जिसका जिक्र किया, क्लॉज 4 सब क्लॉज 3, और उसमें लिखा है कि नो सोशल वर्कर शैल बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द बोर्ड अनलेस सच पर्सन हैज बीन एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन हेल्थ एजुकेशन और वेलफेयर एक्टिविटीज पर्टेनिंग टू चिल्ड्रन फॉर एटलीस्ट 7 ईयर्स. सर आगे लिखा है और अ प्रैक्टिशनिंग प्रोफेशनल विथ अ डिग्री इन चाइल्ड साइकोलॉजी साइकेट्री एंड सोशोलॉजी और लॉ. सर इसके बारे में मैं एक आधा मिनट ले लूँगी. ये और शब्द मंत्री जी यहाँ से हटना चाहिए, मस्ट बी यही होना चाहिए, और का ऑप्शन देना नहीं चाहिए, क्योंकि हम जिस क्षेत्र से आते हैं सब लोग यहाँ से रूरल क्षेत्र से आते हैं, आपने जो प्रावधान किया है, आपने जो सूचना की है कि 3 लोगों की कमेटी होगी जिसमें एक साइकोलॉजिस्ट होगा, साइकेट्रिस्ट होगा, एक लॉ का अधिकारी होगा और एक महिला होगी, लेकिन जहाँ दुर्गम क्षेत्र से ऐसे इस तरह से आइडेंटिफाइड जो लोग अच्छे अच्छे जिन्होंने साइकोलॉजी में मास्टरी की है, ऐसे लोग कहाँ मिलने वाले हैं? तो ऐसे लोगों के लिए एक स्टेट लेवल की कमेटी होनी चाहिए जो गवर्नमेंट के पास से प्राधिकृत हो जाए, जिन्होंने गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया हो, और फिर उनको जाने आने का खर्चा सरकार दे दे, ऐसा कुछ अगर प्रावधान कर दिया तो मुझे लगता है कि ऐसी जो घटनाएं होती है उनके लिए सुविधा हो सकती है. दूसरी एक बात सर मैं कहना चाहती हूँ, जो बात मैंने बात बाहर भी हमने बहुत बार डिस्कस की, जब हम मेंटली रिटार्डेड का एज बोलते हैं, मेंटली रिटार्डेड व्यक्ति का, तो वो साइकेट्रिस्ट उसका अभ्यास करके उसका मेंटल एज निकालते हैं. जो नाबालिग दुष्कर्मा है, जो गुनहगार है, उनका भी मेंटल एज निकालने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि उनका मेंटल एज क्या होता है उसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें निर्भर रहती है. सर मुझे एक बात यहाँ पे कहनी है, बहुत दुख से मैं कहना चाहती हूँ, एक मिनट ही ले लूँगी, कि जे जुवेनाइल जस्टिस बिल के समर्थन में पूरा का पूरा सभागृह यहाँ पे एकजुट हुआ है, लेकिन जिस तरह से यह मंत्री जी ने बयान दे दिया और पूरे राज्यसभा को कड़घरे में खड़ा कर दिया, उसका हम निषेध करते हैं, धिक्कार करते हैं. हमें नहीं ठीक लगता ये, क्योंकि राज्यसभा को जिस तरह से उन्होंने बोला कि राज्यसभा की वजह से ये बिल नहीं पारित हुआ, जैसे कि राज्यसभा में काम होता था तो ये पारित होता था, आज हम सब 12 बजे तक भी बैठने के लिए तैयार है और ये बिल पारित करके रहेंगे, यही मुझे इस बार कहना है. सर
जब हमारे नेता आजाद साहब ने कहा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ये पहली बार हुआ राजीव जी के समय पे, और तब 16 साल की उम्र का प्रावधान था, लेकिन एनडीए के टाइम पे उसको फिर एक बार 18 साल का एज कर दिया गया। ये भी मैं आपके सबके नज़र में लाना चाहती हूँ। सर मैं एक सिर्फ लास्ट चीज़ कह के मेरी बात ख़त्म करूँगी। सर सरकार अगर चाहती थी, और जिस तरह से सरकार पोर्ट्रेट कर रही है, आप पैर भी मत करें सर, अपनी अपना एजेंडा वो सरकार जिस तरह से पोर्ट्रेट कर रही है और पूरे देश के चैनल पे जाके बोल रहे हैं कि हम चाहते थे लेकिन इन्होंने नहीं होने दिया, बिल हमारा ही था, हमने होने नहीं दिया, ऐसे नहीं है। अगर आपको इतनी ही पॉलिटिकल विल थी, राजकीय इच्छा शक्ति थी, फिर आपने उस नाबालिग को बाहर जाने के लिए प्रतिबंध कैसे रोका नहीं? वोटा लगा सकते थे, एनएसए लगा सकते थे, क्यों नहीं किया उन्होंने? अगर उनकी राजकीय इच्छा शक्ति थी वो जरूर कर सकते थे। और लास्ट में एक बात कहूंगी कि सर 2 साल पहले जो नारे दिए है आप लोगों ने, इन लोगों ने, हमारे कान में अभी भी गूंज रहे हैं, बहुत हुआ नारी पे वार, अब की बार किसकी सरकार, किसकी सरकार? जो सरकार महिलाओं को संरक्षण नहीं दे सकती, जो सरकार महिलाओं को सुविधा नहीं दे सकती, 3,000 करोड़ रुपए, सर 3,000 करोड़ रुपए निर्भया फंड 3 साल से पड़ा है, मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, 3 साल से 3,000 करोड़ रुपए का निर्भया फंड का आपने क्या किया, उसका क्या उपयोग किया, उसका भी जवाब उन्हें देना चाहिए, और उसके लिए आपकी जिम्मेदारी आपकी बनती है। यही कह के मैं मेरी संजय मेरी मन के यही बात कह के मैं आपसे धन्यवाद देना चाहती हूँ।